चलो देखिए आगे जो स्टार्ट करते हैं वही राष्ट्रपति की सीरीज 3 होगी आज। और अभी हमने राष्ट्रपति के 2 पार्ट पढ़े, राष्ट्रपति की शर्तें पढ़ी, योग्यता पढ़ी, इसका निर्वाचन भी करवा दिया और इसके साथ इसे हटा भी दिया, है ना। महाभियोग प्रक्रिया समझी, निर्वाचन प्रक्रिया समझी, पॉलिसी समझी कि क्या नीति होती है। इन सब के बाद जो बात करेंगे कि अब बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम क्या था, भारत के कौन कौन राष्ट्रपति बने, कितने बने, पद के अनुसार कितने बने, व्यक्तियों के अनुसार कितने बने, और छोटी छोटी बातें उनके बारे में जानेंगे कि किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में कौन सी एक बड़ी बात हुई, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि अगर हम पहले राष्ट्रपति की बात करें तो इसके बारे में पहले बता चुके हैं हम, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए सबका कार्यकाल से लेकर सब समझेंगे और आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो राजेंद्र प्रसाद थे इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962, समझ लो इनके बारे में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल जो हुआ वो 1952 to 1962, ठीक है। अब वो क्या हुआ देखिए, मैंने बताया था ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को क्या कर दिया था, भंग कर दिया। तो इन्होंने भी त्याग पत्र दिया, तब इन्होंने त्याग पत्र दिया तो उसी दिन इन्हें भारत का क्या चुन लिया गया, राष्ट्रपति। तो ये 1950 में जब राष्ट्रपति बने तो 50 से 52 तक तो ये मनोनीत के रूप में रहे, सिर्फ मनोनीत हुए थे ना संविधान सभा द्वारा, तो आप ऐसा कह सकते हैं 50 से 52 तक ये मनोनीत के रूप में रहे, जबकि 52 से लेकर 62 तक ये निर्वाचन के रूप में हुए। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने 3 बार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की, कितनी बार की, 3 बार। देखिए एक बार 50 में की, एक बार 52 में, 52 से 57 तक रहे, फिर 57 में ये विजयी हुए, फिर कब तक रहे, 62 तक। तो मेरा कहने का मतलब भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्होंने राष्ट्रपति पद की कितनी बार शपथ ली, 3 बार। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यहाँ हमें पता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाता है। तो आपको यहाँ यह बात पता होना चाहिए कि अब ऐसा तो होगा कि अब यहाँ हम कैसे कह दें, समझना, कैसे कह दें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किसने दिलाई होगी सबसे पहले, राष्ट्रपति ने, तो फिर राष्ट्रपति को किसने दिलाई होगी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले थे हीरालाल कारनिया, समझ लो हीरालाल कारनिया पहले ही राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये इन दोनों में से कोई तो पहले बैठा होगा ना, अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले बैठे तो इन्हें शपथ किसने दिलाई, अभी हीरालाल जी कारनिया तो बने ही नहीं है, मुख्य न्यायाधीश का पद तो आया ही नहीं है, तो किसने दिलाई। तो आप यहां ध्यान रखेंगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था राष्ट्रपति का पद भारत में इसलिए लिया भारत सरकार अधिनियम 1935 से, याद करो कि उसमें जो यह पद होता था वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करता था। तो पहली जो मंत्री परिषद थी राष्ट्रपति समेत उन सबको जो शपथ दिलाई थी वो किसने दिलाई थी, गवर्नर जनरल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई वो गवर्नर जनरल ने दिलाई थी, ध्यान रखेंगे आप, समझ में आई, लॉर्ड माउंटेन बेटन ने दिलाई थी, यह बात ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कभी कभी फंसा देता है, तो आप ध्यान रखेंगे। अब तो इनमें से कोई एक ही तो आया होगा, तो कोई भी आए बस दिलाई कितने थी, गवर्नर जनरल ने दिलाई थी। अब देखो समझ में आया, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगातार 2 बार रहने वाले पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 3 बार शपथ ग्रहण करने वाले
कहाँ से थे, बिहार से बिलोंग करते थे, कहाँ से करते थे, बिहार से, बस इतना समझ लेंगे इनके बारे में। इन्हें अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, दूसरे अब देखिए आगे क्या रहा है, राजेंद्र। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र, तो दूसरे पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र, पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन। तो आप यहां ध्यान रखेंगे, राधा कृष्णन ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो इनके बाद जो नाम आता है वह आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक है ना। डॉक्टर एस राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने। पूछ लेता है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, चौथे राष्ट्रपति कौन थे, ठीक है ना। तो पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे बने एस राधा कृष्णन। और इनका कार्यकाल क्या होगा, 62 से शुरू हुआ, 1962 से 5 वर्ष तक पूरे रहे। अब इनके बारे में कुछ बातें देखिए, यह पहले व्यक्ति थे, पहले राष्ट्रपति थे, पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो गैर राजनीतिज्ञ थे, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। तो भारत में दो व्यक्ति ऐसे हुए जो गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति बने, तो पहले कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और दूसरे बने आपके डॉक्टर एपीजे, वो भी गैर राजनीतिक थे, बताओ, वो तो वैज्ञानिक थे, वो राजनीति जानते ही नहीं थे। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछ ले भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। दूसरी बात, यह ऐसे राष्ट्रपति हुए, पहले उपराष्ट्रपति बाद में राष्ट्रपति। तीसरी बात, ये यूजीसी आयोग था उसके अध्यक्ष भी थे, और इसके अलावा विश्वविद्यालय में क्या थे, प्रोफेसर थे। और आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्लियर, समझ में आया इनके बारे में, बस इतना ही काफ़ी। हाँ, इतना ध्यान और रखना कि भारत के कुछ प्रमुख युद्ध हुए 1962, 1965, 1971, 1999, चार युद्ध बड़े प्रमुख हुए, ध्यान रखना। एक कब हुआ, 62, 65, 71, 99। ये तीनों युद्ध जो हुए वो पाकिस्तान के साथ हुए, और 62 का जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ, चाइना के। तो पूछ लेता है, जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ 1962 में, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप ध्यान रखेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्लियर। अब बोले सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो जो पहले पहले है ना उन सबका लंबा लंबा कार्यकाल रहा। प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबा कार्यकाल। पहले उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है ना। जो पहले पहले व्यक्ति थे उन सबका क्या रहा, सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब देखिए तीसरे आए, वो आए आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन आए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब आएंगे, 1967 से रहे 69 तक। यही तो इन्हें समझने की बात है, कार्यकाल यही तो समझना है। जैसा कि नाम से लग रहा है, क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आप कह सकते हो इनकी पहली खास बात कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेचारे करते रहे करते रहे, कितने वर्ष किया, 2 वर्ष। जब 69 में क्या हो गया, इनका देहांत हो गया, जन्नत चले गए, है ना। तो भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई, वह थे डॉक्टर जाकिर, ठीक है ना। कार्यकाल में मरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ये ऐसे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति ये भी रह चुके थे और लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो पूछ लेता है, वह भारत के पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और क्या रहे, उपराष्ट्रपति रहे, वह थे तुम्हारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर। अब देखो, मैंने आपको बताया था अगर भारत का राष्ट्रपति मर जाए तो तुरंत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक संभालेगा,
तुरंत करेगा। उपराष्ट्रपति भी मर जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी मर जाए तो और वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो, बोले सब थोड़ी मरने वाले हैं, है ना। तो आप ध्यान रखो, अब यहाँ कौन आएगा? कार्यवाहक। कौन आएगा? कार्यवाहक। तो आप लिखेंगे चौथे राष्ट्रपति बने बी बी गिरी। तो देखो ये कैसे थे? कार्यवाहक। क्या थे? कार्यवाहक। तो आप समझ लो, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? वराहवीर गिरी, बीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। अब देखिए, सुनो इनके बारे में, इन्होंने क्या किया। जैसे ही जाकिर हुसैन बने, इनकी बात बन गई, इन्हें बोले चलो राष्ट्रपति से क्या बन गए हम? राष्ट्रपति। कार्यवाहक मात्र 2 महीने तक रहे, मन हट गया। बोले कितने महीने तक रहेगा कार्यवाहक? 6 महीने तक। बोले 6 महीने बाद तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। बोले राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है 6 महीने बाद। तुरंत इन्होंने सोच लिया कि मुझे ना ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहना, और तुरंत क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया तुरंत। बोला मुझे भी क्या करना है? चुनाव लड़ना है। 2 महीने तक रहे, अब क्या होगा? मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति मरा तो उपराष्ट्रपति आया बीवी गिरी, अब उपराष्ट्रपति भी मरा नहीं, हट गया, तो कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जब बीवी गिरी ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, तो दूसरे कार्यवाहक जो आए वो आए एम हिदायत तुल्ला। एम हिदायत तुल्ला मतलब ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। समझ में आया? क्यों? जाकिर हुसैन मरे, उपराष्ट्रपति बीबी गिरी आ गए, बीबी गिरी को भी लोभ आ गया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि चुनाव लड़ना था, और मैंने बताया था राष्ट्रपति पद का चुनाव वही लड़ सकता है जो संवैधानिक पद पर आसीन नहीं होगा। तो इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। तो अब मैंने क्या कहा था, एक बात और बताई थी इससे पहले वीडियो में, कि कभी भी राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। अगर खाली क्यों? देखो मैंने कहा उपराष्ट्रपति भी चला जाएगा, तुरंत कौन बन जाएगा? स्वयं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायत। तो ये दूसरे कार्यवाहक क्या थे? राष्ट्रपति थे। 6 महीने के अंदर चुनाव हो गया, और इस चुनाव में क्या हुआ? बीवी गिरी क्या हो जाते हैं? विजयी हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे पांचवें कौन आए? एम हिदायतुल्ला। और छठवें व्यक्ति जो आए वो कौन आए? दोबारा से बीवी गिरी आए। तो इनका कार्यकाल क्या होगा? वही 6 महीने में हुए ये दोनों। ये दोनों कितने महीने में रहे? 6 महीने में। तो अब आए 1969 से ही, 5 और जोड़ दो 74। क्लियर? क्लियर। तो देखिए अब इनसे संबंधित, बीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार की मतगणना में क्या हुए? विजयी हुए। मैंने कल बताई थी दूसरे दौर की मतगणना क्या होती है। तो आगे क्या आ रहा है? बी 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 मतलब वी का कितनी बार रिपीट? 2 बार। तो ये भी ऐसे राष्ट्रपति थे, याद रख लेंगे आप, कि 2 बार की मतगणना में क्या हुए? विजयी हुए। क्लियर यहां तक? तो इनका कार्यकाल क्या रहा? 69 to 74। ठीक है, आगे बढ़े, मिटा दें ऊपर से, ठीक है, यहाँ दिखेगा नहीं फिर, है ना, इसे हटाओ, भाग 20 तो है ही ना। आप बीबी गिरी हो गए तुम्हारे, कैसे राष्ट्रपति थे ये? कैसे राष्ट्रपति थे? जो 2 बार की मतगणना में क्या हुए? विजयी हुए। आप देखिए कौन से नंबर के थे? 6वें नंबर के। अब कौन सा नंबर आया? 7 नंबर, मार्कर दे दो, ले आओ। 7वें नंबर के जो आए वो आए फकरुद्दीन, फकरुद्दीन अली अहमद। अब देखिए इनका कार्यकाल क्या था? 74 था ना 1974 to कितना? 1977। नाम से लग रहा है
फकरुद्दीन अली, तो आप यहां ध्यान रखेंगे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? फकरुद्दीन अली अहमद। पहले कौन थे? जाकिर हुसैन। कितने वर्ष तक रहे? दो। दूसरे बने कौन? फकरुद्दीन अली अहमद। एक और जोड़ दो, कितने वर्ष तक रहे? तीन वर्ष तक। तो आप ध्यान रखेंगे दो मुस्लिम राष्ट्रपति बने ये पहले, और दोनों की ही कार्यकाल में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान रखेंगे भारत के ऐसे राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, तो वो थे फकरुद्दीन अली अहमद। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सबसे अधिक अध्यादेश जारी किया, तो वो भी कौन थे? फकरुद्दीन। आप थोड़ा इन्हें बताएंगे अध्यादेश क्या होता है, वीटो पावर क्या होती है, पहले इन्हें समझ लो, है ना। फकरुद्दीन अली अहमद हो गए, अब ये बीच में ही मरे ना, तो अब कौन आएगा? कार्यवाहक। कार्यवाहक आएगा ना, तो आठवें नंबर पर फिर एक और कार्यवाहक आए जिनका नाम था बीडी जत्ती। कौन थे? बीडी जत्ती। तो ये कितने महीने तक रहेंगे? 6 महीने तक रहेंगे। इनके बारे में कुछ खास नहीं है, तो लिखना ये तीसरे कार्यवाहक थे। कौन थे? तीसरे कार्यवाहक। पहले कौन रहे? पहले कौन रहे? बीबी गिरी। दूसरे कौन रहे? एम हिदायतुल्ला। और तीसरे है आपके बीडी जत्ती। अब ये कार्यवाहक थे, बस इनके बारे में इतना ध्यान रख लेना, सबसे अधिक समय तक कार्यवाहक के रूप में कार्य करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती। क्योंकि वो 6 महीने में दो लोग काम करके गए थे, और इन्होंने अकेले कितने महीने किया? 6 महीने। तो पूछ लेता है भारत के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया, तो आप करेंगे बीडी जत्ती। क्लियर। अब देखो आगे, अब क्या आया? 9 नंबर। क्या लिख रहा है? 9 9 9 से कह सकते हो, 9 मतलब नीलम, याद हो जाएगा ना। 9वें नंबर पर नीलम संजीवा, नॉट फीमेल ओनली मेल, पुरुष ही थे ये। 9वें नंबर पर नीलम संजीवा रेड्डी आए, और इनका कार्यकाल हुआ 1977 से 1982, 5 वर्ष तक रहे पूरे। ध्यान रखेंगे 1977 से लेकर 1982 तक रहे कौन से राष्ट्रपति थे? 9वें राष्ट्रपति थे। लेकिन इनके बारे में सबसे बड़ी बात ये, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे कम उम्र के, 40 प्लस थे। सबसे कम उम्र के कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, आगे क्या आ रहा है? नी, तो निर्विरोध। कैसे? निर्विरोध। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीवा रेड्डी, जो पहली बार तो चुनाव हार गए, लेकिन दोबारा में क्या हुए? निर्विरोध चुने गए। तो आप यहां यह भी ध्यान रखेंगे कि यह ऐसे राष्ट्रपति थे जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, और एक राज्य के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री भी रहे थे, नीलम संजीवा। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा। ठीक है, अब चलो आगे 10वें, और 10वें पे लिख लेंगे आप सरदार ज्ञानी जैल सिंह। सरदार ज्ञानी, नाम से ही लग रहा है, क्या लग रहा है आगे? सरदार। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। अब देखो नाम लग रहा है इनके सामने ज्ञानी, क्या लग रहा है? लेकिन थे सबसे अनपढ़। तो लिख लो भारत के सबसे अनपढ़ राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखना, है ना, नाम ज्ञानी है, बस आ लगा दो अज्ञानी। सबसे अनपढ़ व्यक्ति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। और आप यहां ध्यान रखेंगे ये पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कहां के? पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो
एक आर्टिकल होता है 111, वैसे हम अनुच्छेद बाद में लिखाएंगे, लेकिन आप समझ लो 111, इसके तहत क्या होता है, जब कोई भी सरकार राष्ट्रपति की बात न मान रही हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात न मान रहा हो, तब अनुच्छेद 111 के तहत वीटो पावर का क्या होगा, प्रयोग होगा। याद रख सकते हो बोले 111 मतलब, 111 मतलब विदा मिली, कहाँ रखी, जेब में रखी पॉकेट में रखी, तो जेब में रखी तो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 111 के तहत ही, 111 जेब में रखे, जेबी जेब में, बीटो पावर, जेबी बीटो पावर का प्रयोग किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 111। तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ज्ञानी, देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन मैं इनके लिए गलत नहीं बोल रहा, बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको याद करने का। देखो सरकार से लड़ते थे, झगड़ा करते थे, कौन करेगा अनपढ़ करेगा, बोले नहीं मानेगा, बोले नहीं मानेंगे, बोले हमारे पास एक शक्ति है रामबाण ब्रह्मास्त्र, बोले छोड़ दी, किस अनुच्छेद के तहत, 111 है, और तुरंत वीटो पावर का प्रयोग कर लिया, और वीटो पावर का जो प्रयोग किया वो लिख लो आप डाक अधिनियम में किया, किस में किया, पूछ लेता है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने वीटो पावर, देखो इतने पढ़े लोग लिखे लोग हुए, इतने पढ़े लिखे मिसाइल मैन हुए, वैज्ञानिक हुए, किसी ने प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ना, ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया। तो आप ध्यान रखेंगे, लिख लो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया, किस में किया, आप लिखेंगे डाक अधिनियम में वीटो पावर का प्रयोग किया। अब देखिए, अब ये बेचारे क्या करने लगे, राष्ट्रपति पद हो गया समाप्त, पूरा हो गया कार्यकाल, होने के बाद छुट्टी मनाने लगे, बोले बड़ा ढंग से छुट्टी मनानी है, बोले तब तो कुछ किया नहीं, अब कोई पद नहीं है, बोले चलो गाड़ी चलाते हैं, क्या चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, चलाने लगे, बोले क्या चलानी है, BMW चलानी है, अरे कैसे चला लेगा, BMW चला लेगा, नहीं चला पाएगा, पढ़ा लिखा चला सकता है नहीं, बोले गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला रहे थे और चलाते चलाते ना पेड़ में ठोक दी, क्या हो गई, दुर्घटना। तो आप ये भी लिखेंगे भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो दुर्घटना या सड़क दुर्घटना में मारे गए, तो वो भी कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। समझ में आई बात, चले आगे, देखो चलो एक और लिख लो, यहीं पे आ जाएगा अभी। आप यहाँ देखेंगे 11वें, बस इतना ही आता है इनके बारे में, ज़्यादा कुछ खास नहीं आता। हाँ कार्यकाल पूरा है, पूरा कार्यकाल पूरा किया, 1982 वही, अब बीच में कोई नहीं रुकने वाला, बोले सब लगातार हैं अब तो, है ना, ध्यान रखो सब लगातार है। 11वें देखिए, वो है तुम्हारे कौन, आर वेंकट रमन, ज़्यादा खास नहीं है, बस नाम लिख लो, कार्यकाल लिख लो, लिखना तो एक बात और लिख लेना, कितना कार्यकाल हुआ, 1987 से लेकर 19, ठीक है, इनके बारे में खास नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर लिख लेना इनके बारे में क्या चीज़ लिखनी है, कि सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के नीलम संजीवा रेड्डी, सबसे अधिक उम्र के कौन थे, आर वेंकट रमन, खास नहीं आता इनके बारे में, बस हम थोड़ा बेस से चल रहे हैं तो पूरा होना चाहिए। 12वें देखिए, डॉक्टर जयशंकर प्रसाद नहीं थे, प्रसाद तो लेखक थे, खाली जयशंकर शर्मा, खास नहीं है, 92 से कितना, ठीक है, क्लियर, 92 से 97। आगे देखिए, आगे देखिए कौन सा नंबर आया, 13वां में जयशंकर के बाद आए के आर नारायण, इनका समय कर लिख लो 1997 से 2002।
बोल रहे हैं ना हम, बोल रहे हैं ना हम, बस लिखते जाओ तो फिर क्या प्रॉब्लम है। अरे हम बोल तो रहे हैं राधे राधे। के आर नारायण, कार्यकाल 1997 से 2002, समझना इनके बारे में। ऐसे पहले राष्ट्रपति जिन्होंने 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों में शासन किया, किया कि नहीं, देखो ये कोई चीज ना ऐसे एग्जामिनर रख लेता है। अब देखो 20वीं सदी 1997 चल रहा है, 21वीं सदी 2002 आ गया, ऐसे राष्ट्रपति जो 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों में शासन किया वो कौन हुए? के आर नारायण। दूसरी बात इनके बारे में पूछ लेता है, एक और बात पूछेगा, वो बात यह है इनके बारे में कि यह भारत के पहले दलित क्या थे? राष्ट्रपति थे। निम्न कैटेगरी से संबंधित रखते थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति पूछ लेता है वो कौन थे आपके? के आर नारायण। ठीक है, बस इतना ही आता, खास नहीं आता। आगे 14वें, अब 2002 है तो आपके आगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन आए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल। अब यहां से तो आपको याद होंगे ना सब, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कब प्रारंभ हुए? 2002 से 2007। भारत के दूसरे गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। आगे देखिए, भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, फायरमैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। इन्हीं के समय 10 अक्टूबर 2005 को भारत में एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसे कहा जाता है भारत सरकार में सूचना अधिनियम पारित हुआ। सूचना पूछ लेता है कब पारित हुआ? 10 अक्टूबर 2005। किसके समय हुआ? एपीजे अब्दुल कलाम। व राष्ट्रपति कौन थे? एपीजे। और प्रधानमंत्री थे तुम्हारे मनमोहन सिंह। कौन थे? एक काम और इनके समय हुआ, देखिए, जब ये ना कांग्रेस यूपीए की तरफ से थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उम्मीदवार, और एनडीए की तरफ से थे कौन? कैप्टन लक्ष्मी। तो चुनाव हुआ, चुनाव में ये विजयी हुआ और वो क्या हो जाती हैं? हार जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की ओर से चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला, भारत की ओर से चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। एक सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने लक्ष्मी रेजिमेंट नाम से सेना बनाई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान हो तो, लक्षद्वीप। तो उसकी क्या थी? वो कैप्टन थी। इनकी समक्ष लड़ी लेकिन ये हार जाती हैं और एपीजे अब्दुल कलाम क्या हुए? विजयी हुए। ठीक है, इनके बारे में बस इतना ही बहुत है। आगे देखिए 15वें, अब कौन आएगा अब्दुल कलाम के बाद? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो कितना रहेंगी? 2007 से 2012 भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आप यह ध्यान रखें, यह भारत की एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जो विदेश दौरे के कारण सबसे अधिक चर्चा में रहीं। बहुत पैसा खर्च किया था इन्होंने विदेश दौरे पर, हाँ, फुल आनंद लिए थे, पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है ना। तो और भारत की पहली महिला क्या है? राष्ट्रपति। अब देखिए 16वें व्यक्ति कौन रहे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब दा कहा जाता है इन्हें, प्रणब मुखर्जी। और इनका कार्यकाल रहा 2012 से 2017 तक। खास नहीं है इनके बारे में ज़्यादा, अच्छे नेता रहे, बुजुर्ग नेता रहे, इससे पहले वित्त मंत्री के पद पर थे। एक बात जरूर है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है ना क्षमादान करने की मृत्यु को। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे अधिक, जितने क्षमादान के केस आए किसी को क्षमा नहीं दी, सबसे कह दिया बोले निकलो चलो, हाँ, फांसी की सजा दिलाई थी इन्होंने, ठीक है ना। तो ये कौन थे आपके? प्रणब। और अब आपको पता ही है वर्तमान की
कि 17वें जो बने वो कौन बने, रामनाथ और ये रहे आपके 17 से रहेंगे, अभी तो चल रहा है, हाँ अब तक कर दो, बीच में कुछ पैसे कहाँ हो जाएगा, देखते हो ना कितने तो सही लगते हैं वो शक्तिशाली। ठीक है भैया, तो ये हो गया आपके भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल और कुछ इनकी विशेषताएं थी। अब थोड़ा सा इनके आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की क्या शक्ति है। ठीक है, तो आप यहाँ नोट करते जाएं, देखते जाएं। पहला डालिए, दो अनुच्छेद बड़े इम्पोर्टेंट हैं, आर्टिकल 123, आर्टिकल 143। पहले इन्हें समझ लें तब आगे बात करेंगे। एक क्या है अनुच्छेद 123 और एक क्या है अनुच्छेद 143, ये राष्ट्रपति से ही संबंधित है तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए आर्टिकल 61 में हमने क्या पढ़ा था, महाभियोग, और आर्टिकल 62 भी है जो क्या कहता है, वो है यह कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कम लोग समझते हैं इसे, यह कहता है कि भारत के राष्ट्रपति, समझना, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है, कैसा भी विवाद होता है, तो उस सब की सुनवाई जो करेगा सिर्फ कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करेगा, बाकी किसी भी चुनाव में विवाद होता है उसकी सुनवाई चुनाव आयोग करता है, कोई भी चुनाव हो, लेकिन एकमात्र राष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। समझ में आया। दूसरा काम, अगर चुनाव हो गया राष्ट्रपति का, चुनाव होने के बाद क्या पता चली विवाद हुआ, मतलब गलत फर्जी तरीके से कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत गया, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या जाएगा, केस जाएगा, वह एक टीम बनाएगी सर्वोच्च न्यायालय, उसने टीम बना दी, अब ये इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करेगी टीम, और जैसे इन्वेस्टिगेशन की, अब इस मध्य में ही क्या हो गया कि 6 महीने तक यह क्या चलता रहा, केस चलता रहा, लेकिन आपको पता है राष्ट्रपति का पद तो खाली होना नहीं है, तो 6 महीने तक वही विवादित व्यक्ति रहेगा, इस 6 महीने के गैप में, इसमें बीच में जो भी करार हुए, चाहे वो राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों, और पर उस पर सिग्नेचर किसने किए, राष्ट्रपति ने किए, समझौते किए, तो बताइए क्या वह बाद में इन्वेस्टिगेशन होने के बाद और यह दोषी पाया गया तो क्या यह बने रहेंगे या फिर ये समाप्त कर दिए जाएंगे, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे ये क्या रहेंगे, बने रहेंगे, क्योंकि उसने जो समझौते किए वो एक राष्ट्रपति के रूप में किए थे, बाद में उस पर क्या निकला, विवाद हुआ, वह दोषी पाया गया, वो उससे क्या कर दिया जाएगा, उससे देखो अब फिर यह कंडीशन पूछ लेता है इंटरव्यू वगैरह में, यह पूछ लेता है कि मैंने कहा था भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, उससे कह दिया जाता है अगर तुम्हारे दोष सिद्ध पाए गए, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो दोष क्या होंगे, वो दोष यह होंगे कि आपने चुनाव में क्या किया, अपराध किया है, तो उससे फिर महाभियोग नहीं लगाया जाता, उससे फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, हटा देता है। दो कंडीशन अपवाद हुए ना, मैंने क्या लिखवाया था 61 में, भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अपवाद इस बात का है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें कोई विवाद हुआ, तो उसका फैसला कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, और कुछ समय तक वह पद पर रहा, और जब तक इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, तब तक राष्ट्रपति पद पर रहा, और बाद में क्या उसे हटाना है, दोषी पाया गया, तो अगर वह दोषी पाया गया तो उसका क्या नहीं होगा, महाभियोग नहीं लगेगा, बल्कि उससे क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट द्वारा हटा दिया जाएगा, सिर्फ कब, जब उसने चुनाव में कोई अपराध किया है। क्लियर यहाँ तक, समझ में आई बात। तो अनुच्छेद 62 यही कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो इसका निर्णय कौन लेगा, सर्वोच्च न्यायालय लेगा, बाकी सभी चुनावों में चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे किसी का भी हो, उस समय कौन लेता है, चुनाव आयोग करता है, फैसला करता है, यहाँ पर कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। क्लियर यहाँ तक। अब एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 123 समझ लो, इस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या कर सकता है,
अध्यादेश जारी कर सकता है, अर्थात मतलब समझ लो जब संसद का कोई सदन न चल रहा हो, लोकसभा चल रहा है तो विपक्ष के लोग उसे बिल को पारित नहीं होने दे रहे, राज्यसभा चल रहा है तो विपक्ष के लोग पारित नहीं होने दे रहे, अर्थात ये हुआ पूरा मानसून सत्र चला गया लेकिन संसद का सदन नहीं चला। जब संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन नहीं चलता तब भारत के राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वह अध्यादेश जारी कर दे। जिस बिल पर बहस हो रही थी वह पास नहीं हो रहा था उसे भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत स्वयं क्या कर सकता है, पारित कर सकता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब क्या देखो, यह आदेश ही तो दे रहा है, बोले कैसे काम नहीं कर रहे तुम, बोले तुम्हारा नहीं चल रहा सदन, तुम्हारा सदन नहीं चल रहा, तो ये क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। तो हम लोग भी तो दे सकते हैं, ध्यान रखो ऐसे कर सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना किसी को, बोले 1 2 3 हो जा तो क्या हुआ, डांट रहे हैं हम आदेश देने, तो ये भी क्या हो रहा है, डांटता है किसे, सदन को। तो किस अनुच्छेद के तहत, 123 मतलब अध्याय देश जारी कर सकता है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे सबसे अधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, 3 वर्ष तक रहे। इतना विवाद रहा इनके बीच, क्यों विवाद रहा, 1975 में थे ना वो, 1974 से लेकर 1977 तक रहे और उस बीच में एक बहुत बड़ा क्रियाकलाप हुआ। 1975 में भारत में क्या लगा था, आपात लगा था आंतरिक अशांति के कारण, इसलिए कोई सदन नहीं चल पा रहा था, लेकिन वह बिल जनता के लिए बहुत आवश्यक थे इसलिए इन्होंने ऑर्डर दे दिया 1 2 क्लियर, याद रहेगा 123 के तहत क्या होता है, पूछ लेता है। आगे देखेंगे आर्टिकल 143, अब नाम लग रहा है ना क्या, 143 सब लोग जानते हैं इंटरनल रूप से, मतलब समझते हो ना, बोले होता क्या है, प्यार लव करते हैं ना, बोले सीख सब कैसे, ओ देखो कितने मासूम बने सब ना जाने, सब जानते हैं, बोले व्हाट्सएप पे कोई नहीं पूरा लिखता आई लव यू, कोई नहीं लिखता, बोले क्या 143, बोले चल ये कोई बात है, मतलब एक है तो एक आई, चार है तो चार शब्द, तीन है तो तीन शब्द लिख दिया, क्या कर रहा है ये, प्यार कर रहा है, प्रेम करता है। तो राष्ट्रपति भी ना इसी अनुच्छेद के तहत प्रेम करता है, क्या करता है, याद रख लो इस प्रकार से याद रख सकते, बोले मैं चढ़ा नहीं रहा तुम्हें, बोले ऐसा मत करना, पर मैं बोले रास्ता नहीं दे रहा मैं, लो हटा दिया, समझ लो रास्ता खुद बना लेते हो तुम, समझ लो इसका मतलब क्या होता है, अरे सुनो बात मत करो, प्यार करना, तो ये भी प्यार करता है, प्यार मतलब अनुच्छेद 143 के तहत यह परामर्श देता है, क्या लेता है, परामर्श लेता है किससे, सर्वोच्च। अब देख लो आता है क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति परामर्श लेता है सर्वोच्च न्यायालय से, 143, परामर्श मतलब सलाह, एडवाइस किससे ली जाती है, दुश्मन से लोगे सलाह, कभी लोगे दुश्मन से, बोले मार देगा मैं ये करूं कि नहीं करूं, बोले बस तू बता मेरा लक तुझ पे ही डिपेंड है, बोले कर ले बेटा, कर ले तो मत, समझ लो 143 के तहत भारत का राष्ट्रपति क्या देता है, परामर्श लेता है, किससे लेता है, जब वह फंस जाए चक्कर में, सदनों के चक्कर में, अब उसे कुछ नहीं दिख रहा तो फिर कौन दिखाई देता है, हाँ प्रेम। अच्छा देखिए आगे, अब थोड़े से 2-3 इंपोर्टेंट अनुच्छेद और हैं और समझ लो, अब देखो थोड़ा इमरजेंसी से संबंधित, किससे संबंधित, इमरजेंसी मतलब आपात, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 360, देखिए 352 याद रखो इसे, 352 में कितना जोड़ा, 56 में कितना जोड़ा, 460, याद रख लोगे। वैसे ये आपात उपबंध है जर्मनी से लिए गए, ये एक अलग स्पेशल वीडियो होगा आने वाले समय में, है ना, अभी बस थोड़ा सा समझ लो। अनुच्छेद 352 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो क्या लगा सकता है, राष्ट्रापात,
क्या लगा सकता है? राष्ट्र आपात लगा सकता है, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। 356 के तहत यहाँ भी आपात लगाएगा, लेकिन राष्ट्र में नहीं, राज्य में, जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति। 360 और यहाँ लगेगा आपका वित्त आपात। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे इनके बारे में, डिटेल में जो बात करेंगे वो हम आपातकालीन व्यवस्था में करेंगे। यहाँ बस समझ लो, यह कब लगाया जाता है? जब किसी बाहरी देश से युद्ध हो जाए, या अपने देश में गृह युद्ध हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, उसके लिए राष्ट्र आपात लगता है। और राज्य आपात की बात करें तो आपको पता है ये कब लगता है? जब उस राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य न कर रही हो, तो वहाँ पर राज्यपाल की अनुशंसा पर क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और ये तब लगता है जब भारत में राजकोषीय विभाग में, राजकोष में विदेशी मुद्रा क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। उसी समय भारत में क्या लग सकता है? लेकिन ये भारत में आज तक, तो आज हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, इतना काफ़ी है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट, विशेष पॉइंट रह गए, जिसे हम एक छोटे से वीडियो, 15-20 मिनट के वीडियो के माध्यम से बताएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। और मेरा यही कहना, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, लेकिन अच्छा ना लगे तो अनलाइक ज़रूर करें।